में सीवरेज के नाम पर सड़कें खोद दी गई, पाइपलाइन भी डाल दी गई, लेकिन न तो रोड फिर से बनाई गई और न ही रोड पर हो रहे गड्ढों को वापस भरा गया। ऐसे में अब बरसात होने के बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आजाद नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास सड़क पर कीचड़ होने से जहां एक ओर आने जाने में समस्या हो रही है, वहीं कीचड़ के कारण हादसे भी हो रहे हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं। कई बार संबंधित विभाग को शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। दूध विक्रेता कैलाश श्रीमान ने बताया कि कीचड़ होने के कारण दूध की गाड़ी उन तक नहीं पहुँच पाती, ऐसे में उन्हें स्वयं जाकर दूध अन्य स्थान से लाना पड़ रहा है। ऐसे में वे तो परेशान है ही, ग्राहक भी लेट हो जाते हैं। हमारी दूध की दुकान है, दूध की गाड़ी आती है जिसमें सुबह शाम रोज दिक्कत रहती है, गाड़ी यहाँ आ नहीं सकती है। हम दूसरी जगह से दूध ला रहे हैं रोज, और 10-15 दिन हो गए हैं जाना पड़ता है, रोज दूसरी जगह से दूध उठा उठा के ला रहे हैं, इससे कोई समाधान नहीं हो रहा है। दोनों टाइम जा रहे हैं, दोनों टाइम आ रहे हैं, गिर गए, आने जाने वाले सब परेशान, पूरे मकान में रोड पर कीचड़ उचड़ हो रहा है। वार्ड नंबर 15 आजाद नगर ए सेक्टर बी सेक्टर के बीच में जो ये रोड निकल रहा, इसको कम से कम 28 दिन महीना भर करीबन होने के लिए आया और कीचड़ हो रहा, और नहीं ये सीवरेज वाले सुन रहे, जगह जगह इन्होंने नल तोड़ दिया, वहाँ से पानी निकल रहा, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही, मिट्टी इनके अंदर भरी हुई, और जनता इसके लिए बहुत परेशान है।